मेरठ के सरधना के ऐतिहासिक बूढ़ा बाबा मेले में गुरुवार रात रागनी कार्यक्रम में संगीत सोम सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने अश्लील डांस का आरोप लगाते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोग भड़क गए और कुर्सियां तोड़ डाली गयी। रागनी कमेटी के लोगों और सोम सेना के कार्यकर्ताओं में इस दौरान जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पुलिस और पीएसी लेकर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने डांस बंद करवा कर रागनी में धार्मिक गीतों की प्रस्तुति शुरू करवाई। आपको बता दें, बूढ़ा बाबा मेले में रात करीब 8 बजे देहाती रागनी कार्यक्रम शुरू हुआ था। कार्यक्रम में आरसी मेरठ रागनी पार्टी ने प्रस्तुति देनी शुरू की। रात करीब 11:30 बजे संगीत सोम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सचिन कटीक ने कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा अश्लील डांस करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता भी पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ डाली। कार्यकर्ता और रागनी कमेटी के सदस्यों में इस दौरान मारपीट शुरू हो गई, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच कार्यक्रम में हंगामे की सूचना पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर पुलिस और पीएसी लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने डांस बंद करवाते हुए धार्मिक पाठ शुरू करवाया। इस बीच कार्यक्रम में आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। एसडीएम सरधना अमित कुमार भारतीय ने फोन पर स्थिति की जानकारी ली। संगीत सोम सेना का आरोप है कि रागनी कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने अश्लील डांस करना शुरू कर दिया था। बूढ़ा बाबा मेले में फुड्डर डांस देख संगीत सोम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सचिन खटीक भड़क गए और हंगामा हो गया। इस दौरान रागनी कमेटी के सदस्यों और संगीत सोम के कार्यकर्ताओं में मंच पर ही मारपीट शुरू हो गई, जिसे पुलिस ने बामुश्किल स्थिति को संभाला। देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आजम खान तो जब से पैदा हुए तब से विवादित बयान देते हैं, और विवादित बयान ही नहीं देते, वो हर काम विवादित करते हैं। वो भू माफिया भी हैं, वो गुंडे भी हैं, वो 420 भी हैं, वो सारे हरकतें उनके अंदर हैं। और हिंदुस्तान में इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप बहन बेटी की तरफ को गलत इशारे से या गलत तरीके से नजरें गड़ाएं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अखिलेश की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी की सरकार है। आपकी सदस्यता भी समाप्त होगी और आप जेल भी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। थैंक यू।